Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. भाई आगे से हटो ना, वहीं से पढ़ो। क्या नाम है? मेरा नाम संजय है और मैं पीएमसी रजौरी गार्डन ब्रांच का डिपॉजिटर हूँ। सर, जैसे हम देख रहे हैं जो आपने एक ये पहना हुआ है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, हाँ जी, क्यों किया? तो क्या आप जो यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पाए, किस चीज़ को लेके आए और क्या कहना चाह रहे जो हमारी केंद्र सरकार या और भी है? देखो जी, हमें कुछ शौक तो है नहीं कि हम प्यासे इतने नारे लगाएं, प्यासे रहें, ठीक है, और अपनी एनर्जी भी वेस्ट करें। तो हमारा आने का हमारे को मजबूर किया जा रहा है यहाँ आने के लिए, हमारी बात सुनी जा रही। आरबीआई कहती है कि हमारे पास वहाँ जाओ बम्बे वाले को पावर है, तो इतने दिन हो गए हैं, 11 बंदों की मौत हो चुकी है, अब कितनी मौतों का और इंतजार कर रहे हो आप? मौतों के सुताकर हो क्या? हो हम किसके पास जाए अपनी दरख्वास्त, किसके पास जाए किस चीज़ को लेकर? अपने पैसे के लिए। पैसा जो है हमने डिपॉजिट किया है, वहाँ से TDS वगैरह सब कुछ कटता है, वहाँ से जनधन योजना, अटल जी की योजना, पेंशन योजना, फलाना ढिमकाना सब कुछ हो रहा है। उसके बावजूद आज इतने दिन हो गए हैं, 11 आदमियों ने की डेथ हो चुकी है। पहला गुलाटी जी थे, उनके अकाउंट में 90 लाख रुपए था, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला। देखो, इतना अमाउंट होने के बावजूद भी अगर वो पैसा नहीं मिल रहा तो लानत वाली बाल है। तो बैंक पैसा क्यों नहीं दे रहा? क्यों ये कहते हैं बैंक इस करके नहीं पैसा दे रहा, अपनी गलती को छुपाना चाहता है। कहता है जी ऑडिट से हमारा क्या लेना? ऑडिट आपका काम है करना, कस्टमर का काम नहीं है ऑडिट। आपका तनख्वाह किस बात की मिलती है? प्राइम मिनिस्टर को 1,60,000 रुपये सैलरी मिलती है, किस बात की मिलती है? अगर हमने दुखी रहना है तो भैया हम अपने घर में पैसे रखते हैं तो आप नहीं छोड़ते। कहते जी घर में पैसे रखे हैं, काला धन हो गया, ये हो गया, आपके पास नहीं है। जैसे अगर बैंक में जमा कराते हैं तो आप तब नहीं छोड़ते। आप हमारे को जीना देना चाहते हो कि नहीं, या हमारे को मारना चाहते हो? मारना चाहते हो तो मार दो, एक बार जहर दे दो, जहर का इंजेक्शन लगा दो, बजाय तिल तिल करने के मरने से एक बार मरना बहुत अच्छा। तो अभी ये मांग किससे आप करने जा रहे हैं? हमारी मांग उन सब से है। सरकार, देखो हम रहते हैं डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और जनता के लिए हित के काम करने के लिए। यहाँ जनता का हित क्या हुआ है? 11 बंदे मर गए, उसके बाद आज हम भीख मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान को तो रोज गालियां निकाल रहे हैं, हमारी हालत कैसी है ये भी तो देखो ना। किस चीज की भीख मांग रहे हैं? पैसे की और किस बात की? अपने पैसों की, हमारे को वापस करो, हमारा पैसा हार्ड एंड मनी है। मेरे फादर रेलवे में रिटायर थे, वो सोचते रहे कि मैं अपने लड़के को, एक ही लड़का हूँ मैं, कि एक आप भी हो कि मैं उनको एक दुकान ले लूंगा, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं ले पाए क्योंकि उस जितना पैसा मिलता था उस हिसाब से दुकान के रेट बड़े हाई होते थे। वो कहीं भी नहीं सेटलमेंट बनी, कहाँ थोड़ा थोड़ा जोड़ा उन्होंने कि भैया मेरा लड़का खाएगा आराम से उसकी ज़िंदगी। फिर हमने भी जोड़ा कि भैया मेरा लड़का खाएगा, हमने कोई ऐसे नहीं मारी, शराबें नहीं पी, आराम से जिए हैं। जाके पूछ ले आस पास से कितने कम हमने दिए बस। और जिन्होंने ऐशे मारी, जिन्होंने बॉलीवुड को ऐश कराई, जिन्होंने पॉलिटिशियनों को ऐश कराई, वो तो मजे मार रहे हैं और रोए हम रहे हैं, टेंशन में हम दिए रहे हैं। आम जनता मर रही और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो ही करवाते हैं जी, मंत्री संतरी होंगे अपने घर में, नहीं पर वो ऐश कर रहे हैं। हम लोग जो ये मंत्री संतरी जो है यही ऐश कर रहे हैं। हमने जो आरबीआई ने जिस बैंक, जिस इंस्टीट्यूशन को कहा कि ये बैंक है, हमने मान लिया वो बैंक है क्योंकि आरबीआई का लाइसेंस है। हमने अपने पैसे जमा कर दिए, सेविंग हो चाहे एफडी हो, अपने जीवन भर की कमाई वहाँ कर दी। आज उन्होंने पैसे रोक लिए कि 6 महीने में आप 50,000 निकाल सकते हो। कौन सी गारंटी है कि 7वें महीने आप पूरे निकाल लोगे? ये भी तो एश्योरिटी दे दो ना, वो भी नहीं कह रहे हैं। हम आरबीआई आते हैं, हम कभी कहाँ, जब निर्मला सीतारमन मैडम कहती हैं कि इट्स नन ऑफ अवर मैटर, इट्स नॉट द अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये कॉरपोरेटिव बैंक है, ये स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हम इलेक्शन में भी थी, हमारी सरकार नहीं बन रही। मोदी जी एक बड़े, जब पंजाब नेशनल बैंक से नीरव मोदी भागा 14,000 करोड़ लेके भागा, वहाँ के कस्टमर को पैसे मिले। स्टेट बैंक से विजय माल्या भागा, वो सबके पैसे मिले, किसी का पैसा। जब पीएमसी से सिर्फ 4,000 करोड़ लेके वो भागा भी नहीं, वो पकड़ा गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, वो गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट बेचे ना। जब ऑडिटर
आरबीआई के ऑडिटर उस बैंक को हर 6 महीने में ऑडिट करते हैं, 6 साल से यह घपला चल रहा था, 12 ऑडिट हुए, उनको नजर नहीं आया, आज अचानक से आप रोक देते हो, हमारा तो कसूर ये दिक्कत कब से आई सर? ये 45 दिन हो गए जी, 23 सितंबर 23 पिछले महीने 45 दिन आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पाए इकट्ठे हुए जी, इन्हीं मांगों को लेके यहाँ पे हुए जी, किससे उम्मीद कर रहे सर? हम लोग आरबीआई से उम्मीद कर रहे हैं और हम फाइनेंस मिनिस्टर से उम्मीद कर रहे हैं, हमें मोदी जी, अमित शाह जी, निर्मला सीतारमन मैडम जी या आरबीआई, इन चारों में से अगर कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि योर पैसा इज सेफ, योर मनी इज सेफ इन अ सेफ हैंड, काइंडली ट्रस्ट ऑन अस, वी विल गिव योर मनी बैक इन 6 months, 4 months, 7 months, व्हाटएवर द टाइम दे वांट। जैसे आप आरोप लगा रहे इस हिसाब से तो आगे जनता बैंक में पैसा जमा सर, बैंकिंग सिस्टम, देश का बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, काफी हो रहा है। आज आप सिर्फ एक पीएमसी की बात ना करें, जो दिल्ली में कुछ कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक है, उनके अंदर से टोटल जीरो हो चुका है, उनका सब लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए कि इस बैंक में पैसे नहीं रखा, एक डूबा, तो आप क्या चाहते हो भारत सके सारे बैंकिंग सिस्टम को? कुछ बैंक गिने चुने या सभी बैंकों में ये दिक्कत आ सर? एनपीए सभी बैंकों का है, देश का सिस्टम खराब हो रहा है। आज एक हमें उठाओ, सरकार अगर उदाहरण पेश करे कि हम आपके पैसा सुरक्षित है, हमने पीएमसी के सभी ग्राहकों को उनका पूरा पैसा वापस किया, अगर ये संदेश देंगे, सरकार देगी, तो बाकी बैंकों से पैसा लोग नहीं निकालेंगे कि सरकार जिम्मेवारी ले रही है। आज सरकार जिम्मेवारी नहीं लेती, मत लीजिए बाकी बैंकों से भी पैसा बाहर निकल आएगा, क्या होगा उससे? चोर बाजारी, काला बाजारी, सब कुछ काला धन यही बना जाएगा, पर बैंक में कोई नहीं रखेगा। सरकार को एक मौका मिला हुआ है कि अपना विश्वास बनाए कि हमने बैंक के, पीएमसी बैंक के, अगर सरकार विश्वास नहीं सर नहीं बनाएगी तो सरकार भी नहीं रहेगी, और सरकार ही नहीं रहेगी, हमने किसके लिए, बिल्कुल किसके लिए पैसा? हम सरकार आज भारत के नागरिक है, भारत के प्रधानमंत्री को बोलेंगे, हम इमरान खान को नहीं बोलेंगे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।